राहुल गांधी ने हरियाणा में आज अपने रैली को संबोधित किया। इस रैली में हुड्डा से लेके कुमारी शैलजा तक की उपस्थिति रही। इस रैली में कई मुद्दों पे राहुल गांधी ने फोकस करते हुए मोदी जी और अडानी को पहले तो खूब सुनाया। युवा पे भी बात हुई, बेरोजगारी पे भी बात हुई और पहलवानों पे भी बात हुई, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है। राहुल गांधी ने पहलवानों को केंद्रित करते हुए एक बात कही। इस बात में उन्होंने बोला कि मोदी जी को हरियाणा की इज्जत तो नहीं ही है, साथ ही साथ हमारे पहलवानों की बेइज्जती कैसे करवानी है वो मोदी जी से बेहतर किसी को नहीं पता है। जिस तरीके से विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और तमाम पहलवान प्रोटेस्ट करते रहे दिल्ली के जंतर मंतर पे कि उन्हें ब्रजभूषण के अवज में कोई न्याय मिलेगा, पर कोई भी न्याय की सुनवाई नहीं की गई। और साथ ही साथ सांसद ब्रजभूषण इतने अकड़ में दिखाई देते हैं कि वो अलूल जलूल कमेंट भी राहुल गांधी और विनेश फोगाट पे लगातार करते रहते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रजभूषण ने राहुल गांधी और विनेश फोगाट पे कमेंट करते हुए बोला, जब उन्होंने उनकी एक तस्वीर देखी तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से आज विनेश फोगाट और राहुल गांधी हाथ में हाथ लिए खड़े हैं, उससे मुझे तो एक बात का डर है कि कहीं ये राहुल गांधी पे भी बाद में इल्जाम ना लगा दे। ब्रजभूषण को अपने कैरेक्टर के जैसा दूसरे का भी कैरेक्टर नजर आने लगता है। वो समझते हैं कि एक लड़का और एक लड़की आज के जमाने में एक दूसरे का अगर हाथ टच करते हैं तो वो गलत ही होता है। आप अमूमन देखते होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी सभी लोगों से गले मिलते हैं, बुजुर्ग से, बच्चे से, स्टूडेंट से, सब लोगों से वो गले मिलते हैं, सब लोगों को वेल विशेस देते हैं। और ऐसे में इतनी अभद्र टिप्पणी ब्रजभूषण जब करते हैं तो ये साफ साफ नजर आता है कि किस मानसिकता का इंसान ब्रजभूषण है और किस मानसिकता की पार्टी भाजपा है जो ब्रजभूषण जैसे लोगों को अपने पार्टी में रखती है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया को स्टेज पे बुलाते हुए कहा कि इन लोगों के साथ शोषण होते रहा, इनकी बहनों के साथ शोषण होते रहा, लेकिन फिर भी मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। देखिए कि इस वीडियो में राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है। जी बैठे कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। चौबीस घंटा क्यों? गोल्ड मेडल चाहिए क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना, पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे इसके सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया, इनके बहनों का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे